मार्वल की तरफ से फाइनली एंटमैन द वास्प क्वांटमेनिया का फाइनल ट्रेलर रिलीज किया है। ट्रेलर देख के यही लग रहा है कि स्क्वाड की बेटी कैसी वह अब टीनेज है और वो स्क्वाड के नक्शे कदम पे चल रही है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होगी और इस सीन को देख के लगता है उसको अरेस्ट भी कर लेंगे, जो कि स्क्वाड को पसंद नहीं आएगा। ये ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप सुपर हीरो क्यों ना हो, आपके पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि आप अरेस्ट हो इसी जुर्म में। इसलिए जब कैंग स्क्वाड को ऑफर देता है उसका काम करने के बाद वो जो भी टाइमलाइन में जाना चाहता है वो जा सकता है, क्योंकि ब्लीप के 5 साल जो स्क्वाड से मिस हुए हैं वो उस टाइम को अपने डॉटर के साथ बिताना चाहता है। He can give us a second chance. इसलिए वो कैंग का हेल्प करेगा, बट हेल्प के बदले में कैंग एंटमैन को मारने का प्लान बनाएगा। ट्रेलर में एंटमैन और कैंग के बीच के कुछ फाइट सीन्स भी देखने मिलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है इस मूवी में स्क्वाड की डेथ हो जाएगी, क्योंकि स्क्वाड की बेटी कैसी को अब एक सुपर हीरो के लिए सेटअप किया जाएगा। क्यों अब मार्वल के यंग एवेंजर्स की टीम बना रहे हैं और कैसी भी उस टीम की मेंबर है। You cannot trust him. एंटमैन की पहले की मूवीज देख के कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एंटमैन की मूवी इतना डार्क हो जाएगी। ट्रेलर में मोडोक भी देखने मिलता है, जिसको प्ले किया है कोरी स्टॉल ने। अगर आपने नेटफ्लिक्स की सीरीज हाउस ऑफ कार्ड्स देखा है तो उसमें उन्होंने पीटर रूसो का कैरेक्टर प्ले किया था, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है वो कितना अच्छे एक्टर है। अब देखते हैं मूवी में क्या होता है। ट्रेलर देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मूवी को लेके, और आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।